आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग मॉड्यूलन क्या है तथा इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन होगा हमारा मॉड्यूलन मॉड्यूलन क्या है या मॉड्यूलन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझावे। ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन 2017 के फाइनल में, 2021 के फाइनल में और 2023 के फाइनल एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। कभी कभी केवल मॉड्यूलन का परिभाषा पूछता है या मॉड्यूलन के जो प्रकार है उसमें से भी कोई एक पूछ देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूलन क्या है। मॉड्यूलन का परिभाषा दिया जाता है, मॉड्यूलन का क्या परिभाषा दिया जाता है, मॉड्यूलन का परिभाषा दिया जाता है निम्न आवृत्ति के वाहक तरंगों को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों पर अध्यारोपित करने की घटना को मॉड्यूलन कहते हैं। क्या कहते हैं मॉड्यूलन का? निम्न आवृत्ति के वाहक तरंगों को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों पर अध्यारोपित करने की घटना को मॉड्यूलन कहते हैं। मॉड्यूलन का क्या परिभाषा दिया जाता है? निम्न आवृत्ति के वाहक तरंगों को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों पर अध्यारोपित करने की घटना को मॉड्यूलन कहते हैं। अब मॉड्यूलन के प्रकार आता है हमारा, तो मॉड्यूलन तीन प्रकार के होते हैं। मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? मॉड्यूलन तीन प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है हमारा आयाम मॉड्यूलन। पहला क्या हमारा? आयाम मॉड्यूलन। नंबर दूसरा हमारा है आवृत्ति मॉड्यूलन, और तीसरा हमारा है कला मॉड्यूलन,
मॉडुलन, ये मॉडुलन के तीन प्रकार है, आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और कला मॉडुलन। इसे नोट करें। बारी बारी से इन तीनों को देखेंगे हम लोग। मॉडुलन में जो हमारा प्रकार में पहला था वो हमारा था क्या, आयाम मॉडुलन। पहला हमारा था आयाम मॉडुलन, आयाम मॉडुलन। आयाम मॉडुलन का परिभाषा दिया जाता है, आयाम मॉडुलन का परिभाषा दिया जाता है रेडियो तरंगों के आयाम को, रेडियो तरंगों के आयाम को ध्वनि संकेतों, रेडियो तरंगों के आयाम को ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तन, रेडियो तरंगों के आयाम को ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तन के अनुरूप, दाब परिवर्तन के अनुरूप या चित्रों को प्रकाश तीव्रता या चित्रों को प्रकाश तीव्रता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आयाम मॉडुलन कहते हैं। आयाम मॉडुलन के आप ऐसा दिया जाता है, रेडियो तरंगों के आयाम को ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तन के अनुरूप या चित्रों को प्रकाश तीव्रता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आयाम मॉडुलन कहते हैं। नोट करें इसे, आयाम मॉडुलन के बाद हमारा है दूसरा नंबर में आता हमारा आवृत्ति मॉडुलन। दूसरा नंबर में क्या आता हमारा, आवृत्ति मॉडुलन।
आवृत्ति मॉडुलन का परिभाषा दिया जाता है हमारा रेडियो तरंगों के आवृत्ति को ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तन या चित्रों को प्रकाश तीव्रता क्या करा हमारा रेडियो तरंगों के आवृत्ति को ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तन या चित्रों को प्रकाश तीव्रता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आवृत्ति मॉडुलन कहते हैं। यह हमारा आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन दोनों हो गया। अब लास्ट बचा हमारा क्या, कला मॉडुलन। इसे जल्दी से नोट करें। तीसरा और अंतिम हमारा क्या है, कला मॉडुलन। कला मॉडुलन का परिभाषा दिया जाता है जब रेडियो संकेतों की असंतत स्पंदनों के समूह के रूप में प्रेषित किया जाए तथा क्या कह रहा है कि जब रेडियो संकेतों की असंतत स्पंदनों के समूह के रूप में प्रेषित किया जाए तथा उनके समय अंतराल या कला को तथा उनके
समय अंतराल या कला को भेजे जाने वाले संकेतों या सूचनाओं के अनुसार परिवर्तित किया जाए तो इस प्रकार के मॉडलन को कला मॉडलन कहते हैं। कला मॉडल क्या पहचाना जाता है कि जब रेडियो संकेतों की असंतत स्पंदनों के समूह के रूप में प्रेषित किया जाए तथा उनके समय अंतराल या कला को भेजे जाने वाले संकेतों या सूचनाओं के अनुसार परिवर्तित किया जाए तो इस प्रकार के मॉडुलन को कला मॉडुलन कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।